गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक. इन द लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड अ न्यू लेसन द लास्ट लीफ एंड हाफ ऑफ द लेसन वॉज एक्सप्लेन टू यू. वी वेर टॉकिंग अबाउट द टू आर्टिस्ट शू एंड जॉन्सी हु केम टू न्यूयॉर्क ट्राई देयर लक. ओके केम फ्रॉम न्यूयॉर्क द पुअर पार्ट ऑफ दैट द कॉलोनी वेयर दे वर स्ट्रगलिंग. सी दिस टू फ्रेंड्स केम टू न्यूयॉर्क struggle as they were artists and they were a struggling artist. So they came to try their luck so that they would be a good artist and all. There they came where Jonsi, who is a girl, okay, she felt sick. She was suffering from pneumonia, and in that days pneumonia was not so easy to cure and most of the people died due to the pneumonia and all. Even she was suffering from the pneumonia, and she had a belief that near their house in the window she used to see the ivy plant vine, tree. Okay, see in that I'm just revising the portion which has been done to you. I hope you remember that near their window there was a ivy plant tree. Where it was first full of leaves and all. Later the leaves started to shed out. धीरे धीरे गिरने लगे और very less leaf was left out. Now what Jonsi was in, she was in a long illness. वो काफ़ी बीमार थी, काफ़ी लगा था काफ़ी दिनों से. She was feeling that इस पेड़ की तरह मैं भी हो जाऊँगी, one day I will die. And she what she thought is that जैसे इसके पत्ते जड़ रहे. She was lying on the bed. She was counting the leaves from the window. She was watching this tree from the window and she was counting the leaves. Later on the trees started to shed the leaves and all, only few of them were left, and it was 6 leaves were left out and she was counting. तो उसने क्या ये लगाए थे, what was her belief was that that the earth days are also coming. मतलब उसके दिन भी कम होते जा रहे ज़िंदगी से, जैसे पत्ते जड़ते जा रहे उसकी भी एक एक दिन कम होते जा रहे. एंड शी हैड द बिलीफ ऑफ दैट. व्हेन शू केम टू नो दैट ही गॉट एंग्री. ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन दैट इज़ नथिंग रिलेटेड विद द प्लांट. यानी पत्ते का जड़ना उसकी ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं, वो उसकी सिर्फ एक सोच है, वो डरी हुई है क्योंकि उसको लगता है शी विल बी डाई. ही कॉल द डॉक्टर एंड डॉक्टर टोल्ड दैट शी विल सर्वाइव बट शी डोंट वांट टू सर्वाइव. उसके मन में एक डर सा है, चिंता है शी विल बी डाई. सो शी हैज़ टू मेक अप हर माइंड दैट शी विल सर्वाइव. इफ शी मेक्स अप हर माइंड एंड शी कीप्स ऑन कीपिंग हैव ए गुड डाइट एंड ऑल शी विल नेचुरली सर्वाइव. तो ये सब बोल के डॉक्टर शू को चले जाते हैं और शू उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि उन पत्तों से तुम्हारा ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि नेचुरली जब पेड़ का ये होने लगता है, सूखने लगता है, तो पत्ते जड़ना एक स्वाभाविक है. तो उसकी ज़िंदगी और उसकी से कोई वास्ता नहीं है. ओके सी ये आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड अप टू ईयर. ओके From I think the whole Brahman. Okay, I will start from here. Tell me as soon as you have finished, said Jonsi, closing her eyes. Now he wanted to draw some pictures and all. And this, Jonsi was looking out of the window. So what he said, Shuni kya kya? You close your eyes till I complete my work. After that, you open your eyes and all. So बोलते ठीक है. तो she agrees for that. एंड बोले ठीक है, तुम्हारा काम होने तक मैं आँखें बंद करती हूँ, तुम अपने काम करना. बिकॉज इन विंडो वॉज ओपन एंड देवेर पुअर तो लाइट वगैरह नहीं था, तो वो खिड़की के उजाले से अपना काम करता था. और वो बोलते ट्राई टू स्लीप से शू. ओके आई मस्ट कॉल बेरमैन अप टू बी माई मॉडल फॉर द ओल्ड मैन दैट आई वॉज ड्रॉइंग. आई विल नॉट बी गवर्नमेंट. तो बेरमैन नाम का एक जो पेंटर थे वो ही वॉज स्टेइंग एट द डाउन स्टेयर्स. ओके वो नीचे रहते थे
हाँ, ये लोग जो रहते थे वो फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, ब्रह्मन जो है वो नीचे के फ्लोर में रहते थे। ही वॉज नॉट ए सक्सेसफुल पेंटर, वो भी एक पेंटर थे पर वो सक्सेसफुल नहीं थे, ही वॉज ए फेलियर इन आर्ट। ओके, फॉर 40 ईयर्स ही हैड वेल्डेड द ब्रश बट हैड नॉट मेड एनी मनी, यानी 40 ईयर्स ही वॉज पेंटिंग, ही वॉज डूइंग पेंटिंग एंड ऑल, बट ही वॉज नॉट ए सक्सेसफुल पर्सन एज ए पेंटर एंड ही हैड मेड नो मनी, मतलब वो उतने सक्सेसफुल ना होने की वजह से उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, एंड ही वॉज ऑल्सो ए पुअर पेंटर, पुअर पर्सन। ई हैड बीन ऑलवेज, ओके सॉरी, ई हैड बीन ऑलवेज अबाउट द पेंट अ मास्टर पीस, उनका हमेशा एक चाहत थी कि वो एक मास्टर पीस तैयार, मास्टर पीस इज दैट मतलब एक ऐसा पेंटिंग या ऐसी चीज़ होती है जो यादगार के तौर पर हमेशा रह जाती है लोगों के मन में, लोगों के, तो वो भी एक ऐसे पेंटिंग करना चाहते थे जो लोगों के ध्यान में हमेशा जिंदगी रहे। ही वॉज ट्राइंग टू डू बट एट नेवर एट बिगन इट, बट अभी तक 40 ईयर्स में ही वॉज नॉट एबल टू डू इट। फॉर सेवरल ईयर्स ही हैड ओनली मेड अ फ्यू पेंटिंग्स, ही अर्न्ड अ लिटिल बाय सर्विंग एज ए मॉडल टू द यंग आर्टिस्ट इन द कॉलोनी। ओके, फॉर द सेवरल ईयर्स ही ओनली मेड अ फ्यू पेंटिंग्स, उन्होंने इतने सालों में बहुत ही कम पेंटिंग बनाए, एंड ही अर्न्ड अ लिटिल, बहुत ही कम मतलब उनका ये था अर्निंग था, एंड बाय सर्विंग एज ए मॉडल टू द यंग आर्टिस्ट, लोगों के जो यंग आर्टिस्ट आते थे उनके लिए एक मॉडल की तरह वो इधर मदद करते थे इन द कॉलोनी। वो कुड नॉट एफोर्ड अदर मॉडल्स, यानी कोई और वे दूसरे मॉडल को एफोर्ड नहीं कर पाते थे करके इनको बिठाया जाता था ब्रह्मन को, ताकि वो उनको मदद कर सके और वो अपना गुजारा करते थे। ही ऑलवेज टॉक्ड ऑन हिज कमिंग मास्टर पीस। शू टोल्ड बर्मन दैट जॉन्स इज फैंसी, नाउ शू टोल्ड बर्मन से क्या बोला उन्होंने, इसने सोच के बोला मेरे दोस्त जो है जॉन्सी, उसके दिमाग में हमेशा काफ़ी दिनों से शी हैज हैड इन माइंड दैट एज सून एज द लीफ ऑफ द ईवी ट्री फेल्स ऑफ शी विल डाई, जैसे ही सारे पत्ते जड़ जाएंगे शी विल डाई। Old Berman was shocked that anyone could have such idiot's imagination. Now he was surprised. Berman was surprised to hear this, कि ऐसा भी किसी की सोच हो सकती है, imagination हो सकती है। What he cried, are there people in the world foolish enough to die because of leaf dropping? Now what is asking, ऐसे भी लोग होते हैं जो एक पत्ते के जड़ने से मरने का ये सोचते हैं। I have not heard of such thing. What is it? I have not heard such thing. मैंने कभी ऐसी बात सुनी ही नहीं। Why did he allow this thought to enter her brain? तो वो इज asking, why did he allow your friend to have such thinking in her mind? इसकी ऐसी सोच क्यों उसके मन में रहने दिया तुमने, क्यों नहीं निकाल फेंका उसे। She is very ill and weak and said, sure. The fever has made her mind full of fancies. तो what is it? वो शी इज़ वेरी हिल, बहुत बीमार है, वीक कमज़ोर भी हो गई, और बुखार के वजह से उसके दिमाग में ऐसे बेफितर की बातें वगैरह दिमाग में घूम रही है। दिस प्लेस इज़ नॉट गुड फॉर मिस जॉन्सी, सम डे आई विल पेंट अ मास्टर पीस एंड वी शैल ऑल गो अवे, यस सेड प्रेमन। व्हाट इज इट प्रेमन, व्हाट डिड ही से, दैट आई विल मेक, वी विल मेक अ मास्टर पीस, दिस प्लेस इज़ नॉट गुड फॉर मिस जॉन्सी, मतलब इट इज़ नॉट गुड फॉर दैट स्मॉल लेडी, ये जगह वो ठीक नहीं है। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग वेन द टू वेंट अपस्टेयर, जॉन्सी ओके शी वॉज स्लीपिंग ओवर देयर वेन दिस टू वेंट अपस्टेयर, मतलब वेन दे हैव वेंट टू द नेक्स्ट फ्लोर। शू शोड बर्मन द ईवी वाइन दैट जॉन्सी सॉ थ्रू द विंडो, ओके अंडरस्टूड, यू अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड वॉट इट इज़। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग एंड शू टुक ब्रह्मन टू द विंडो, उसने दिखाया कि ये जो पेड़ दिखता है यहाँ खिड़की से, उस पत्ते के देख के ये ऐसा सोचती है। शी शोड ऑल दैट थिंग एंड टोल्ड एक्सप्लेन एवरी थिंग, दे लुकड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट विदाउट स्पीकिंग, तो एक फिर वो देखने लगे एक दूसरे को, एंड दे बिगेन टू वर्क। आउटसाइड ए कोल्ड रेन वॉज फॉलिंग कंटिन्यूसली मिंगल्ड विथ स्नो, सन शू क्लोज द विंडो, ओके
तो वॉट हैपेंड, द कोल्ड रेन वॉज फॉलिंग, मतलब वहाँ बारिश हो रही थी, तेज़ हवाएं चल रही थी, स्नो वॉज फॉलिंग ऑन ऑल. तो वॉट इज शू डू, यू जस्ट क्लोज द विंडो, खिड़की बंद कर दी ताकि हवा अंदर ना आ सके. और शी वॉज एंड जॉन्सी वॉज स्लीपिंग नियर टू द विंडो. नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी वोक अप, शी फाउंड दैट जॉन्सी वॉज स्टेयरिंग एट द क्लोज विंडो अगेन विद द डल वाइड ओपन आईज. सॉरी. नेक्स्ट मॉर्निंग व्हाट हैपेंड, शी वोक अप, ओके, शी फाउंड जॉन्सी वॉज स्टेयरिंग. She saw that Jonesy was sitting near the window and she was staring at the closed window. The window was closed, okay, that was closed by Shu by the last night. So she was looking in the dull wide open eyes, matlab ek aise aasha bhari nigaah se woh aise dekh rahi thi ki woh soch rahi thi might be the all the leaves might have fallen down and maybe I will be dying now very soon. Now what she is saying to her friend, open the window, I want to see, she ordered. Shu obeyed. Okay, what she said, open the window, I want to see outside, I want to see that tree. And Shu did the same. But lo, even after the rain and the fierce wind that blew throughout the night, there were it stood against the brick wall one heavy leaf. Okay, last night it was raining, the wind was blowing very fast and all. Iske bawajood bhi there was one evil leaf left out. So what she's saying, it was the last on the vine. The one leaf was left out in the tree. Still there green near its stem, but with its edges tinted with yellow. It hung bravely from the branch some 20 feet above the ground. Okay. It was the last on the vine. एक ही पत्ता बचा था. Still dark green near its stem. It was near the stem of the tree. But with its edges tinted with yellow. उसके edges जो थे, मतलब पत्ते जब जर्सी हो, I will show here. यहाँ पे this is the edges. पर यहाँ की तरफ वो पीला हो रहा था. जब यहाँ की तरफ से पीला होता है तो धीरे धीरे के dark होने के बाद ये पत्ते यहाँ से जर जाते. तो she saw one left leaf was left out and the edges were growing yellowish. मतलब वो कभी भी गिर सकता है. I thought it was, okay, see, it was the last one, said Jonesy. Now Jonesy is saying, it is the last leaf left out. I thought it would surely fall down during the night. I heard the wind, it will fall today and I shall die at the same time. What she is saying now? The last leaf was left and again that day, that night, it was raining and all. And the winds were blowing very harshly and she could hear the voice of the wind. आवाज़ जो जा रही थी तेज़ी से जा रही थी तो उसको आवाज़ें बराबर सुनाई देती. एंड शी वॉज थिंकिंग दैट नाउ द लीफ विल फेल डाउन एंड आई विल डाई. जॉन्सी वॉज प्रिपेयरिंग हर सेल्फ फॉर द लास्ट जर्नी दैट वन मेक्स अलोन. द फीलिंग वॉज वेरी स्ट्रांग विद इन हर. द टाइज ऑफ द शू फ्रेंडशिप एंड अदर थिंग्स ऑन द अर्थ बिकेम लूज वन बाय वन. नाउ शी मेड अप ऑफ हर माइंड. उसने अपना मन बना लिया कि अभी वो मरने वाले की कि एक ही पत्ते बचे थे और इतनी तेज़ हवा में बारिश में वो पत्ते नहीं रहने वाले थे. नाउ आई विल डाई. द डे वॉर अवे बट इवन थ्रू द ट्विलाइट दे कुड सी द लोन वी विल लीव क्लिंगिंग टू हिज स्टेम अगेंस्ट द वॉल. एट नाइट अगेन द विंड ड्रैग्ड एंड द रेन फॉल. वैसे दूसरा दिन भी वैसे ही वो तेज़ी हवा वगैरह चल रही सब पर वो पत्ते वैसे के वैसे ही थे. अगेन द नेक्स्ट डेट अगेन द विन रैक एंड अगेन द रेन पोर, मतलब फिर से बारिश हुई. नेक्स्ट डे व्हेन इट वाज लाइट एनफ जॉन्सी आस्क्ड शू टू ओपन द विंडो. जब लाइट द नेक्स्ट डे व्हेन इट वाज लाइट एनफ, ओके, जॉन्सी व्हाट डिड शी She tell to Joshua to open the window. The evil leaf was still there. Okay, the evil leaf was still there. Jonesy lay for a long time looking at it. Then she called Shu. Shu dear, she said, I have been a bad girl. Something has made a last leaf stay there to show me how wicked I was. It was a sin to want to die.
जॉन्सी वॉज लुकिंग एट द इतनी हवा तेज चल रही थी, बारिश हो रही, स्टिल इतनी हवा के बावजूद भी द लीफ वॉज स्टिल ओवर देयर. द देन दैट शी रिकवर्ड फ्रॉम आवर थिंकिंग. तब उसे एहसास होने लगा कि उसकी जो सोच थी वो काफ़ी गलत थी. सो शी इज सेइंग टू अवर फ्रेंड, कितनी गलत थी, कितनी बुरी लड़की हूँ मैं जो ये समझ के बैठी थी कि ये पत्ते की वजह से मेरी जिंदगी खत्म होने वाली, जैसे ये पत्ते जड़ जाएंगे आई विल डाई. मेरी सोच बहुत ही बुरी थी. आफ्टर दैट शी वॉज रेडी टू टेक द ब्रॉथ एंड मीन. तब उसे एहसास हुआ कि उसकी सोच बहुत ही गलत थी. देन शी वॉज रेडी टू टेक द ब्रॉथ एंड मिल्क दैट शू ब्रॉट फॉर हर. यानी वो बात में तैयार हो गई, मतलब उसने फिर मन बना लिया था कि वो जिंदा, वो मरेगी नहीं, शी विल सर्वाइव. जब उसे यकीन हो गया कि वो मरने वाली नहीं है, तब उसको ये लगा कि उसे जिंदा, वो जिंदा रहेगी. तो उसने अपने दोस्त से अपने लिए सूप और दूध वगैरह ले लिए उनके हाथों से और पी गई. शी वॉन्टेड टू सिट अप इन द बेड सम डे, आई होप आई पेंट द बे ऑफ नेपल्स. तो शी जस्ट वॉन्टेड टू सिट अप इन द बेड और बाद में उसने आई वॉन्ट टू पॉइंट पेंट द बे ऑफ नेपल्स. ओके. मिस्टर वर्मन ट्रांसटर वॉज नाउ हिल. अभी वो जो ओल्ड पेंटर थे वर्मन, ई वॉज इन द डाउन स्टेयर, मतलब वो नीचे रहते थे. नाउ ई वॉज हिल एंड विथ निमोनिया. ई वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया. वो सफर कर रहे थे निमोनिया से. द स्वीपर हैड फाउंड हिम लाइंग हेल्पलेस इन द रूम इन द वेरी वेट क्लोथ्स एंड शूज. ही ऑल्सो फाउंड सम स्कैटर्ड ब्रशेस एंड पैलेटी विथ ग्रीन एंड येलो कलर्स मिक्स ऑन इट. टू डेज लेटर मिस्टर ब्रेमन डाइड इन अ हॉस्पिटल. ओके. जो ब्रेमन थे वहाँ पे रहते थे वो बीमार हो गए. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया. उनको भी निमोनिया हो गया था. वन डे वॉट हैपेंड, द स्वीपर जो झाड़ू मारने वाले थे वहाँ पे कचरा साफ करने, ही सॉ दैट ब्रेमन वॉज लाइंग हेल्पलेस इन हिज रूम. अपने कमरे में वो हेल्पलेस गिरे हुए लेटे हुए थे. उनके कपड़े इस क्लोथ्स वेयर वेट एंड शूज. उसके कपड़े और शूज़ क्या थे, इट वॉज वेट. ही ऑल्सो फाउंड सम स्कैटर्ड ब्रशेस. ही ऑल्सो फाउंड सम स्कैटर्ड ब्रशेस अराउंड दिस ब्रशेस वेयर देयर एंड द पैलेपेट मीन्स जहाँ पे जिसमें कलर्स मिक्स करते. ओके. तो वो भी मिक्सिंग प्लेट जो हम बोलते कलर्स मिक्स करने, इट वॉज देयर विद द ग्रीन एंड येलोइश कलर. टू डेज लेटर मिस्टर फ्रेमन डाइड इन अ हॉस्पिटल. अभी उनको निमोनिया इतना ज़्यादा हो गए थे और उनका उम्र भी हो चुके थे. तो ही डाइड इन द हॉस्पिटल विद दैट निमोनिया, बाय द निमोनिया. द लास्ट ईवी लीफ वॉज स्टिल देयर ऑन द वॉल. इट नेवर फ्लटर्ड और मूव्ड व्हेन द विंड ब्लू. इट वॉज फ्रेमन्स मास्टर पीस. ही हैड पेंटेड इट देयर दैट नाइट व्हेन द लास्ट लीफ हैड फॉलन. बट ये लास्ट पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है, द लास्ट ईवी लीफ वॉज स्टिल देयर ऑन द वॉल. जो लास्ट लीफ था वो अभी भी वॉल में चिपका हुआ वॉल में था. और इट नेवर फ्लटर्ड, फ्लटर्ड नहीं मतलब हिला डुला नहीं, जितने विंड ब्लो हुए हिला डुला नहीं. क्योंकि इसीलिए हिला डुला नहीं क्योंकि वो पत्ते ये नहीं थे, पत्ते नहीं थे. वो पेंटिंग की वो एक पीस था जो ब्रेमन ने किए थे दीवार पे, ताकि दूर से देखने पे ऐसा लगे कि जब वो जॉनसी खिड़की से देख रहे थे तब उसे ऐसा लगे कि अभी भी पत्ते उस पेड़ में लगे हुए ही है. एक्चुअली सारे पत्ते जड़ गए थे उस दिन जब तेज़ हवा चल रही थी, तो सारे पत्ते पेड़ से जड़ गए थे. ऑल द लीव्स हैड बीन फॉलन एंड सो ही नो द, उनको पता था कि इसकी शू की ऐसे ये थी, सोचती कि पत्ते गिरने से शी विल डाई. तो उसकी उसको बनाए रख ये करने के लिए, मतलब उसको ये समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, वो पत्ते बनाए ताकि उसमें जीने की चाहत बनी रहे. और जीने की चाहत बनी रहने से वो जीने के लिए उसकी तरफ दौड़े और जीने सॉरी फॉर दैट, और वो अपनी जो सोच थी वो दिमाग से हटा ले और वो जीने की तरफ अपना कदम बढ़ाए. जब तक इंसान के मन में ये लगा वी विल डाई वो नेचुरली डेथ आने वाला है. अगर हम माइंड में ये ले कि वी विल फाइट एंड वी विल कम बैक, तभी हम कम बैक करेंगे. तो वो ये चाहते थे कि शू के दिमाग से, जॉन्सी के दिमाग से ये सब बातें निकल जाए और वो ये पॉजिटिव वे थिंकिंग करते हुए अपनी ज़िंदगी को लीड करे और ज़िंदा रहे.
तो वो जिंदा रहने के लिए, तो उन्होंने क्या कि जब उनको पता चला कि पत्ता जो एक पत्ता था वो जड़ चुका है, तो उन्होंने इतनी तेज़ बारिश जब हो रही थी बाहर, तब उन्होंने वहाँ पे पेड़ के पत्ते, एक पत्ते दीवार में बना दिए उसी तरह जिस तरह नेचुरल पत्ते की तरह। अब उसको शू ने जॉनसन ने क्या समझ लिया था कि ये पत्ते पेड़ के हैं और अभी भी पत्ते हैं। ओके, दैट इज़ व्हाट, इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बच गई। पर फ्रेमन की फ्रेमन वो लड़की को बचाने के इसमें वो अपनी ज़िंदगी हार जाते हैं, या ही डाइस बिकॉज वो बारिश में बिकते रहे और उसकी वजह से उनकी जिंदगी बिक के उन्हें निमोनिया हो गया और उनका डेथ उसकी वजह से हुआ। पर उन्होंने क्या हुआ, वो एक मास्टर पीस की वजह से वो बच्ची को बचा पाए, एंड दैट लीफ वॉज द मास्टर पीस ऑफ हिस लाइफ। यानी जाते जाते वो एक अच्छा काम करके एक लड़की को ज़िंदगी देते गए। ओके, दिस इज़ व्हाट द लेसन वॉज। थैंक यू।